हो गई है एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप देख रहे होंगे ना, सुबह सुबह आंखें बंद होने लग गई मेरी। मतलब धूप उतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन होता ही है ना कि मतलब मौसम में एक चमक रहती है धूप की, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होने लग गई मेरे को। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आज सूरज कहाँ से आया होगा, क्योंकि आज तो धूप है ही नहीं, आज सूरज आया ही नहीं। पता क्यों? क्योंकि आज मैं सुबह सुबह नहा गई और कपड़े धो दिए और मम्मी के कपड़े भी धोए मैंने। मम्मी भी बोल रही आज सूरज कहाँ से आया होगा, मैंने कहा आज आया नहीं वो। और अब जाती हूँ किचन में। किचन में हो रही है नाश्ते की तैयारी। अंजलि बना रही है यहाँ पे मूली और आलू के परांठे, है ना। और अंजलि कर रही है इसका मटेरियल तैयार। यहाँ पे मिर्च काटी है, यहाँ के लोग मिर्च नहीं देते है ना। एक ऐसी चीज देखी हमने, वहाँ मिर्च देते थे गौचर में, भले सब चीज महंगा था पर मिर्च दे देते, लेकिन यहाँ पे नहीं देते हैं। और देखिए ये मिक्स कर दिया है, ये इसके गोले गोले इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये इसका पानी निकाला होगा ना। तो दोनों आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि दोनों के मिक्स करके आलू और मूली के बहुत अच्छे पराठे होते हैं। आज के आप सुबह सुबह का बाहर का नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आज सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन तो इस टाइम पे ऐसी धूप खिल जाती थी, लेकिन आज चारों तरफ मौसम ऐसा बंद हो रखा है, ऐसा अंधेरापन छाया है। लगता है चारों तरफ बारिश आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी से तो बेहतर है, नहीं तो सुबह उठ के सीधे पसीना ही आता है। तो बढ़िया मौसम हो रखा है आज। ये पत्थर मारे पीछे? हाँ, वो बच्चे खेल रहे थे वहाँ नीचे और फिर तब इस पे बॉल लग गई। यहाँ की मुझे एक चीज बढ़िया लगती है कि जैसे घर में हम कोई काम करवाते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है कि गांव से किसी को बुलाओ कि हमारा पाइप टूट गया, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि कोई भी चीज खराब हो जाए सीधे कंप्लेन लिखाओ गेट पे जाके और सीधे आके तुम्हारा काम हो जाता है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक उसी तरह कल क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे बिल्कुल सामने, बड़े लड़के थे वो, तो हम लोग सबसे लास्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो हमारे खिड़की का कांच टूट गया, तो हमने कंप्लेन लिखाई, तो वो आ गए थे ठीक करने के लिए। सब चीज़ मेरे लिए बढ़िया हुआ, नहीं तो ना कोई भी काम होता है तो मम्मी मेरी जान खाने लग जाती है, ये कर दे वो कर दे, तो मम्मी को पूछती हूँ मैं कैसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से हो जा रही है। सिलेंडर भी बताओ अंदर ही आ रहा है मम्मी, कितना आसान हो रहा है। मम्मी की एक समस्या थी, मतलब बोलती रहती थी कि पूरा जीवन इस चीज़ में निकल गया कि हम लोग नीचे से ऊपर अपने गाँव में सामान सारते गए, हमेशा ये कहती रहती है। तो अब तो हो गया ना बहुत आसान, बिल्कुल सिलेंडर भी अंदर तक आ रहा है। तो कैसा लग रहा है माता को? परेशानी पापा तो होने वाले हम तो। क्यों पापा को किस चीज की परेशानी? नौकरी में नहीं लोग फौजी लोग होते तो तरफ बर्फ माँ तो तरफ बरसात माँ तो वो एक आनंद हम लोग ले रहे हैं। वही तो, ये भी हमारे कर्म ही होते होंगे ना कि मतलब कोई अच्छे खासे घर में तुम्हारा जन्म हो गया और तुम मजे ले रहे हो, जैसे मम्मी ले रही है, हम ले रहे हैं। मम्मी ना तू भी ले, मैं भी ले रही हूँ। सबसे आनंद तू ही लो। हाँ मैं भी ले रही हूँ। ऐसा ऐसा ये बात तो सत्य घटना पर आधारित है कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। बताओ यू कर्म होगा फल जन के। बिल्कुल पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मतलब कोई संघर्ष ही नहीं है यार जीवन में, बिल्कुल अच्छे दिन कर रहे हैं ना। वही तो देखिए वीडियो कॉल आ रखा है मेरी बहन का। मनो मनो बंद कर, मैं नहीं पीणू सेहा चाय, ये गरम मकेन पीणू थोड़ा सा, थोड़ा बन अभी हाथ ले, थोड़ा बोलियो गिलास भर लिया। जब तक वो शीशा लेके आते हैं तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, है ना मम्मी, करके ब्रश कर, तब तक मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ, क्या पता उनके साथ खड़े रहना पड़े फिर वहाँ पे। तो ये है सामने हमारा ग्राउंड और यहाँ पे खेल रहे थे कल बच्चे, तो आके वो कांच लग गया और ये वाली खिड़की टूट गई थी, तो जाके उन्होंने ये कांच लगा दिया। और इसको देखो इस साल इसने सिलेक्शन मारना है, सुबह से पढ़ रही है, बताओ। ये मैं बता रही हूँ, जैसे ये केवल एक दिन पढ़ती है, 10 दिन नहीं पढ़ती है, फिर
एक दिन और पड़ेगी, एक दिन इसको जोश आता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है। पता नहीं किसकी वीडियो देखती होगी या किसी दोस्त का फ़ोन आता होगा, और फिर एक दिन पढ़ती है, फिर दूसरे तीसरे दिन ठप हो जाती है। तो मैंने इसको बोला है कि भाई लगातार अगर तुम लगातार एक एक घंटे ही पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या करें, चल कोई बात नहीं, 10 दिन का एक दिन पढ़ो। हो चुकी है शाम और समय आ चुका है हम लोगों के बाहर निकलने का, क्योंकि अंदर रहना तो भाई इतना कठिन है आजकल कि ऐसा हो रहा था कि बाहर निकलो थोड़ी हवा ले लें। और अंजलि भी आ गई है पीछे। चलो चले मितवा, सावन का महीना चल रहा है और मम्मी ने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो हमने कहा रोज मार्केट जा रहे हैं तो क्यों ना चूड़ी, क्या चूड़ी नहीं पहनी। हाँ वही तो कड़े पहने हैं ना मम्मी का, एक तो हाथ कटता है कांच की चूड़ियों से ना, तो कड़े पहने रहते हैं। खैर आजकल सभी कड़े ही पहनते जाते हैं, लेकिन सावन का सोमवार है, नहीं सावन का महीना है, तो हरी चूड़ियाँ तो ज़रूर पहननी चाहिए। जिनके यहाँ पे ये फ्लैट होंगे या फिर जिन लोगों ने जिस कंपनी के ये फ्लैट होंगे, उन लोगों ने यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर बनाया है, जिसका ये गुंबद है उसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा चलते चलते हमें रास्ते में बहुत सारे फूल देखने को मिले हैं, जिसमें गमले भी हैं, बहुत तरह की वेराइटीज है यहाँ पे, अच्छे अच्छे पौधे हैं। लेना है क्या एक? कौन सा? हाँ बहुत तरह के फूल हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, लेकिन अभी थोड़ा देर हो रही है ना। हाँ ये एक अलग तरह का फूल है, देखा भी नहीं है मैंने कभी। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में रहता है, और यहाँ पे देखिए गमलों के साथ रखा हुआ है उसको। हाँ और ये एक शायद गमला है ना, वाह। सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ की ये लगती है, मुझे इसमें बैठने में बहुत मजा आता है, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो टेम्पो हो या चाहे वो ये क्या है, ये जो भी है, पर मुझे इसमें बैठने में बहुत मजा आता है। कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है ये, कौन सा पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पे मार्केट बोला था हमने तो यहाँ पे आके रोक दिया है। और नेल पेंट, हमें लेनी चाहिए इसमें से एक वो मम्मी पीनट बटर वाली, ये वाली यार, ये नमकीन लेना यो जरा, ये रेट दे ऊपर कथा चे जो इतनी माना छोटे छोटे बिल होने चाहिए। हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोला था भैया किसी मार्केट में छोड़ दो जो भी आसपास है, लेकिन उन्होंने हमको ऐसे ही जो रिलायंस का वी मार्ट टाइप का होता है ना वहाँ पे छोड़ा है। और ये सब सामान तो हम लोग कैंटीन से लेते रहते हैं, तो कुछ खास इच्छा है नहीं हमारी। हम लोग लेने वाले हैं बिस्किट, मतलब कुछ खास इच्छा है नहीं वैसे, कैंटीन से लेते रहते हैं हम लोग अपना सामान, लेकिन हम लोग ये वाला बिस्किट ले सकते हैं यहाँ से। हाँ एक स्लाइस ले लेंगे, मुझे क्या ले। वैसे इसका ओरिजिनल रेट है 98 रुपये, तो ये कहने से आप 30 रुपये बचा सकते हैं, ये 69 रुपये का मिलेगा। दो ले लो, एक बीच में जैसे कहते हैं कि मार्केट आपको लुभाता है, तो उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ये। मुझे सबसे अच्छा लगता है अनारदाना, अनारदाना ले लेंगे। ये चीज़ बढ़िया है कि सब्जी मंडी हमारे बहुत पास में है, कभी भी आके ना जैसे गांव में ऐसा होता था सब्जी ख़त्म हो जाती थी और मार्केट इतना दूर था तो प्रॉब्लम हो जाती थी, उस दिन दिक्कत हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल पास में ही है। अगर रात को 9 बजे भी तुम्हें याद आ रही है कि यार सब्जी क्या बनेगी आज, तब भी आ सकते हो तुम बिल्कुल पास में। ये लीजिए, अरे यार इतनी माच बड़ी ज्यादा बने, एक तो सब्जी किस चीज की है, सब्जी है भिंडी। आज पहली बार ही हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठा हुआ है यार, नहीं तो इसका दिखना मुश्किल हो जाता है ना।
चलिए फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।